यूके आरी नी गल करे तू स्लैंग च साउथ हाल घूम दिए नटियां दे गैंग च फैश आउट बेल मुंडा बैग बना दे केस चो बॉस फेस के लाजो। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं करण गोला एक्स भाई, स्वागत है आपका और एक वीडियो में। भाई ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वीडियोस नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस है मेरे भाइयों को पहुंचाने के लिए। भाई बेसिकली फोन से मोटो व्लॉग कैसे करते हैं, तो चलो मोटो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली आपके पास एक हेलमेट होना चाहिए, आपके पास एक फोन होना चाहिए, भाई वो दोनों ही सबसे जरूरी चीज है। तो बेसिकली मैं जो हेलमेट यूज करता हूँ जो कि स्टील बट का है, वो काफी बढ़िया है, हेलमेट बढ़िया है। ये है मेरे पास एक लेंस जो कि है 170 डिग्री का सुपर वाइड एंगल लेंस जो कि आपको चाहिए। मैं बताऊंगा किस लिए चाहिए मैं आप लोगों को। और भाई मेरे पास एक ईयरफोन है, बेसिकली ईयरफोन मैं एकदम सस्ता लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके पास अगर 1000 रुपये हो कैसे मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। सो और एक मेरे पास है मोबाइल होल्डर, पास है एक फोन जो कि है रेडमी का फोन है, जो कि है आपका फोन किसी भी फोन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा हाई कोस्टिंग वाला ही फोन चाहिए, भाई आप 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका नहीं होगा मोटो व्लॉग। सो भाई इसमें क्या होता है, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास 11 12 मेगापिक्सल का फोन है तो थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, जो कि आप लोग का ऑडियंस जो कि देख रहे हैं उनका थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। भाई मैं बोल देता हूँ ये जो है इसको कैसे अटैच करते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। भाई ये बहुत डिमांडिंग वीडियो था, बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे बनाने के लिए। भाई ये देखिए ये वाला, इसका ये वाला है, ये पोर्शन है और यहाँ का इस पोर्शन पे आपको बस ऐसे करके स्लाइड कर देना भाई। और ये ईयरफोन का काम क्या है भाई, आपका वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए भाई, जो कि आप मेरा वीडियोस या व्लॉग्स में देखते हो क्रिस्टल क्लियर क्लियर वॉइस आता है, तो मैं ईयरफोन यूज़ करता हूँ जो कि है बोट का भाई। और भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं बोट का फोन माइक्रोफोन, इसका ये माइक्रोफोन ही काम करता है भाई बेसिकली। सो भाई इसको हम लोग सेटअप करते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से, इसको टाई कर देते हैं भाई। टाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको अंदर घुसा देते हैं, मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। इसको इसके अंदर सेटअप कर देते हैं, किसी तरह जुगाड़ करके हम लोग फंसा देते हैं। इस चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका ये पोर्शन आपका मुंह के साइड पे होना चाहिए, ये अगर दब गया तो भाई आपका वॉइस नहीं आएगा। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसके लिए नहीं आता है। और भाई इस बेसिकली ये है मेरे पास वाइड एंगल लेंस जो कि मैंने अपने बैग पर रखा है। भाई इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, अगर यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या करते हैं, नॉर्मल कैमरा के फ़ोन से ही, मतलब नॉर्मल फ़ोन का जो कैमरा दिया हुआ रहता है उससे ही मोटो व्लॉग करने लग जाते हैं। भाई ये बहुत गलत बात है, क्योंकि नॉर्मल कैमरा से अगर आप वीडियो शूट करेंगे तो उससे वो स्पीकर का माइक का आवाज़ नहीं आएगा। मैं एक चीज़ आप लोगों को डायरेक्ट बोल देना चाहता हूँ, उसके लिए भी अपने पास एक जुगाड़ है। मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए, प्ले स्टोर पर आप जाना, एक ऐप है जिसका नाम है पावर डायरेक्टर, उसको आप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद उसी ऐप से आप मोटो व्लॉग करना, बेसिकली भाई उसमें क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया आता है मोटो। सो गाइस एंगल चेंज हो चुका है। तो भाई अपने पास ऐसा एक लेंस रहता है जो कि एपीएक्सएल का आता है, 170 डिग्री वाइड एंगल सुपर वाइड एंगल लेंस, भाई काफी मक्खन गोप्रो जैसा क्वालिटी देता है भाई। सो ये इस प्रकार का ये लेंस आता है, मैंने यूज कर लिया इसीलिए मैंने। सो गाइज ये रहा अपना फोन का मोटो व्लॉगिंग सेटअप, आई होप आप लोग अच्छा लग रहा होगा। तो भाई इसमें थोड़ा सा एंगल मिलाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो सब हम लोग ठीक कर लेंगे। बेसिकली मैं एक डेमो दिखाने के लिए आप लोगों के पास आया था लेके, सो अभी सही है, ऐसे ही कुछ दिखता है भाई सैंपल, मतलब मोटो व्लॉगिंग का। बेसिकली अभी हम लोग बाईपास पे हैं और भाई अभी हम लोगों को जाना है और एक जगह पे, तो भाई थोड़ा सा राउंड आप लोगों को दिखा देता हूँ मोटो व्लॉगिंग ऐसे करते हैं। और भाई इसमें ज़्यादातर मैंने एपीएक्सएल 170 डिग्री वाइड एंगल लेंस लिया है, इसीलिए इतना वाइड दिख रहा है, नहीं तो वाइड नहीं दिखता है, नॉर्मली ये वाइड नहीं दिखता है इतना। सो अभी वाइड एंगल लेंस की वजह से दिख रहा है। और बेसिकली अंदर माइक्रोफोन के लिए मैंने फ़ोन, वो जो ईयरफोन रहता है वो लिया है, सो इन दोनों का ही मिक्सचर है, इसीलिए अभी ये इतना अच्छा वाइड दिख रहा है। सो भाई इस प्रकार से कुछ आप लोग कर सकते हो भाई, बेसिकली ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा, मैं आप लोगों को कॉस्टिंग का बात बता देता हूँ। सो भाई इसका जो स्ट्रैप है उसका प्राइस 500 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग वो जो होल्डर है उसको मिला के मैंने 500 में लिया था भाई, सस्ता में मिल गया मेरे को। फ़ोन का उसका एक, आपके पास अगर ईयरफोन होगा तो अच्छा क्वालिटी का लेना भाई, ईयरफोन का माइक डिपेंड करता है, तो आप बोट का ही एक ले लेना, ज़्यादा नहीं 500 रुपये नहीं पड़ेगा, 400-300 में मिल जाएगा आपको बोट का अच्छा वाला ईयरफोन मिल जाएगा। सो ईयरफोन ले लेना अगर आपका वाइड एंगल में प्रॉब्लम है। अगर आप, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग नॉर्मल कैमरा का उससे मत करना, क्योंकि उसके उससे आवाज़ नहीं आएगा आपका मोटो व्लॉगिंग के अंदर, सो आप वो यूज़ मत करना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा चला के स्पीड से भी दिखा देता हूँ कि इसका माइक पे कोई प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं। बाइक बेसिकली अभी आप लोग देख सकते हो 100 से ऊपर जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, आप लोग देख सकते हो 50 60 से ऊपर है मेरा बाइक अभी, यह देखो
76 है, लेकिन मेरे को जितना तक लग रहा है आवाज़ नहीं आ रहा होगा। विंड नॉइज़ थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना कट ऑफ आवाज़ का कट ऑफ नहीं आया होगा, उम्मीद करता हूँ। सो 76 में भी आप आराम से चला सकते हैं। ज़्यादा स्पीड से जाओगे भाई प्रॉब्लम तो होगा ही, नॉर्मली सब माइक्स पे होता है, तो इसमें नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए। सो लव यू ऑल, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।